राहुल गांधी को राज्य की जनता दे सकती है करारा जवाब। संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालोगे तो राज्य की जनता आपको करारा जवाब देगी। मुमरा रेलवे स्टेशन पर बीती रात 11:15 के बीच दिव्यांग डिब्बे से ठहरे एक यात्री पर तेजाब से हमला किया गया, युवक को KM अस्पताल में इलाज जारी। मुंबई के साकीनाका इलाके में एक हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। स्वतंत्र वीर सावरकर हमारे भगवान, हम उनका अपमान नहीं सहेंगे, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को दी चेतावनी। थाने में नशीली दवा मिलाकर तैयार किया जा रहा था कफ सिरप, पुलिस ने मारा छापा, 4 गिरफ्तार। नशीले ड्रग्स कोकीन युक्त खांसी की दवाई की बोतलें की गई जब्त। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवतीर्थ पर की राज ठाकरे से मुलाकात, 1 घंटे तक हुई चर्चा, गठबंधन की हलचल हुई तेज। हिम्मत है तो मोदी के नाम पर महाराष्ट्र में वोट मांगो और जीत कर बताओ, उद्धव ठाकरे ने मालेगांव सभा में भाजपा शिंदे को दिया चैलेंज। साधु और मधु एक दूसरे के आंसू पोंछने मिले, राज ठाकरे एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर राउत की तीखी टिप्पणी। संजय राउत ने राज ठाकरे साधु और मधु एक दूसरे के आंसू पोंछने मिले थे, राज ठाकरे एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर राउत ने दिया बड़ा बयान। भारत में फिर बड़ा कोरोना वायरस का खतरा, बीते 24 घंटों में 1800 ज्यादा मरीज आए सामने। भाजपा के 52 नहीं 192 कुल भी आए तो ठाकरे से नहीं छीन सकते शिवसेना, उद्धव ठाकरे का चलेगा सीट बंटवारे पर शिंदे को जगह दिखाने का किया हमला। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर किया जोरदार हमला, बोली देश का प्रधानमंत्री कायर, लगा दो मुझ पर केस, जेल में डाल दो, मैं डरूंगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब भारत नहीं, मोदी पर हमला मतलब भारत पर हमला नहीं, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर कार्रवाई के ऊपर भाजपा पर किया हमला। राखी सावंत ने लगाई उठक बैठक, लॉरेंस बिश्नोई से मांगी माफी, बोली सलमान भाई का पीछा छोड़ दो। शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर कोशियारी और सुंदासु त्रिवेदी को राहत, बॉम्बे SC ने कहा यह आपराधिक केस नहीं। मुंबई अंधेरी ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर शॉप में लगी भीषण आग, एक की हुई मौत। नासिक में अपराध में हुई बढ़ोतरी, पुलिस कार्रवाई करे नहीं तो जनता सड़कों पर उतरेगी, छगन भुजबल ने दी चेतावनी। उद्धव ठाकरे को मालगांव में सभा से पहले लगा झटका, पूर्व नगर सेविका और पदाधिकारियों ने शिंदे की शिवसेना में किया प्रवेश। सलमान खान धमकी मामले में राजस्थान से एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार, सलमान को मिले धमकी के ईमेल, मामले में बांद्रा पुलिस ने की कार्रवाई। मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद करवाने से अच्छा, राज ठाकरे मंदिरों में लाउड स्पीकर लगवाए, रामदास आठवले ने दी सलाह। बेटी और दामाद को डॉक्टर बनाना, महिला को पड़ा महंगा, गोवंडी में 14 लाख की धोखाधड़ी का मामला आया सामने।